हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। केंद्रीय विद्यालय कनकर बाग से नया विज्ञापन जारी हुआ है टीचर्स वैकेंसी का, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भी वैकेंसी है। अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा तो बिल्कुल अंत तक वीडियो के बने रहें। कैसे अप्लाई करना है, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या कही गई है, इसमें जो है परीक्षा नहीं होगी, ठीक है? परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के आप यहाँ शिक्षक बन सकते हैं, मात्र इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आप देख लें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दो ही सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो आप देख लें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके पास जो है मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स में, साथ में बीएड आपका होना चाहिए। टीजीटी के लिए अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, इंग्लिश एंड साइंस। तो पीजीटी और टीजीटी में ज़्यादा सब्जेक्ट तो नहीं है, फिर भी जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, साइंस है तो वो देख सकते हैं। कोई भी फीस नहीं देनी है, परीक्षा भी नहीं देनी है, केवल वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिए गए डेट और टाइम पर पहुँचना होगा। इंग्लिश और साइंस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री, स्नातक आपने 50% मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर टू आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी कैंडिडेट आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो है पीआरटी के लिए, जो है सबसे पहले एक लाइन इन्होंने लिख दी है कि बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जिन्होंने एनआईयूएस से डीएलएड किया है, जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है वो कैंडिडेट पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो 12th 50% मार्क्स के साथ में, और डीएड वाले, डीएलएड वाले, बीएलएड वाले, बीटीसी, बीएसटीसी वाले, ठीक है, ये सभी आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 सालों से कम का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बेसिक टीचर ट्रेनिंग है, डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो है यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री के साथ में आपके पास सीटेट पेपर वन आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आपके राज्य का टेट नहीं चलेगा। बस ये इतना सा ही जो है नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है। बाकी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, सब्जेक्ट है, वैकेंसी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर कनकर बाग पटना, पटना से ये वैकेंसी है। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, परमानेंट वैकेंसी का जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ज़्यादा समय नहीं देते हैं ये लोग, एग्ज़ाम जल्दी से जो है करा देते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जैसे ही परमानेंट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को बिल्कुल सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको 17 अगस्त 2024 को पहुँचना है केंद्रीय विद्यालय नंबर कनकर बाग पटना, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहेंगे। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कहाँ से मिलेगा, और ये जो है पूरा नोटिफिकेशन आप दोबारा से कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कनकर बाग पटना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन व्यू ऑल पर क्लिक कर लेंगे। जितने भी अभी तक के एडवर्टीजमेंट है या कोई भी जानकारी है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सबसे ऊपर 2 बार इन्होंने डाल दिया है। अभी यहाँ नीचे तक आपको इस वाले पेज में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, ये जो 3rd नंबर है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर 46, सीरियल नंबर 46 पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ध्यान दें, सीरियल नंबर 46 पर एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये पुराना एप्लीकेशन फॉर्म है। फिलहाल अभी इन्होंने केवल नोटिफिकेशन डाल दिया, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाला है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, और ये देखिए इसको डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है, इसे फिल कर लेंगे।
और आपको क्या करना है, जो डेट दी है वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको उसी समय पहुंचना है, बस इतना करना है, आप भेजना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन में बस इतना ही लिख दिया है कि वॉक इन इंटरव्यू जो है 17 अगस्त 2024 को है। तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग इस डाउनलोड करके फिल करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी एक एक फोटोकॉपी जो है उसकी पूरी आप लोग जो है सेट बना लें, फोटो ले लें और जो है दिए गए डेट पर आपको पहुंचना है, ठीक है, 8 बजे 8:30 बजे तक जो है आप वहां पर स्कूल में पहुंच जाएं। अगर आपका सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहती है। सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी जो है आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में चले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी, पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो पीजीटी में सैलरी जो है 27,000 तक जो है सैलरी रहती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की सैलरी 26,250 या 750 है और प्राइमरी टीचर्स की 21,250 है, ठीक है, यही सैलरी है अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर्स हैं उनकी। बाकी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती रहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फिलहाल वैकेंसी निकल रही है, जहाँ की भी आपका सब्जेक्ट है निःशुल्क आवेदन करना है और आपके बिल्कुल नज़दीक है जगह, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जो है टीचिंग करने चले जाएँ, क्योंकि अभी जो है देखिएगा आप लोग बहुत सारी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी ऐसी निकलेंगी जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को रखा जाएगा, तब आप जो है उसे मिस कर देंगे। तो इसलिए जो है आप तैयारी करते रहें और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर दें, कोई बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छा अर्न भी करेंगे, आपका सब्जेक्ट जो है वह भी और भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं तो हमें केवल नॉलेज मिलती है लेकिन जब अप्लाई करने का मौका मिलता है तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।